तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, जिसने न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं कराया, और बिना देरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हॉन्टेड गुरुजी में। तो आपका भाई अपने घर से 250 किलोमीटर सिर्फ आपके लिए आया है, एक लोकेशन को रिवील करने है। एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल रास्ता है पूरा, मतलब कि मिट्टी मिट्टी है, और यहाँ से कोई भी रास्ते से निकलता नहीं, यानी डेली यूज़ में कोई भी इसे यूज़ नहीं करता है। लेकिन काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट है, आप जाइए। तो वैसे घर से काफ़ी दूर हूँ, तो मामा जी है, मैं हूँ, कर्ण भैया है, अपने ब्रदर है, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ का। इस लोकेशन में मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर एक भाई ने मुझे कहा था, और उसने एक चीज़ भेजी थी, मैं छोटी सी क्लिप, उसने बोला था कि उसने एक चीख वगैरह सुनाई दी यहाँ पर उससे, तो उसने भाई मुझे रिक्वेस्ट करी कॉल पे, बाद में भी उस भाई से एक बार ये रास्ता भी देख लो कितना लंबा है, मैं कैमरा ऊपर करके दिखा देता हूँ। और ये एक मेन कोई सिटी है अंदर, वहाँ जाता है, पर उससे पहले कच्चा रास्ता आता है, वो पक्की सड़क है, वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। हमने अपनी गाड़ियों को वहीं खड़ा करके वहाँ से पैदल चल के आया यार, सिर्फ आपके लिए। तो सबसे पहले ये कहता हूँ यार, समझते हो ना, वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप काफी भाई बोल रहे थे कर्ण भाई क्या है, कर्ण भाई यार कैमरा चला रहे, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, काफ़ी लोगों का भाई कहते हैं कि यार गूगल टाइम बताओ, तो मामा जी टाइम दिखा देना, गूगल टाइम, मामा टाइम दिखाओ। गूगल से एक बार टाइम बता दो, इंडियन टाइम। The time in India is 11:42 PM। अच्छे से फोकस करो ना, हो गया 11:42, यानी कुछ ही देर में 12 बजने वाली है। उस भाई ने कहा कि 10 बजे से लेके 3 बजे के आसपास उसने चीखे सुनाई दिए बहुत बार, तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। बट भाई ने कहा है, आप में से एक भाई ने कहा था, आपको आपको पता है मेरे पास बनता है। सुनसान एरिया है पूरा, फील तो हो रहा है, महसूस करो एक। हाँ, अगर अकेला बंदा हो ना तो यार उसका समझ रहे हो ना आप, फट जाए यार। ये रास्ता दिखाया, ये रास्ता आप देख लो ना यार, ऊपर ऊपर करके दिखा, पूरा डेजर्ट एरिया। बस इतना दावा करा गया, मैं मामा जी उसके साथ लेकर आया, आपको पता कि मैं अकेला जाता तो कुछ ना कुछ हो जाए, तो काफ़ी दूर हूँ लोकेशन से, घर से, तो इसलिए हूँ मामा जी के साथ। तो क्या चमक रहा है, कहाँ पे चलते हैं ना, जुगनू होते होंगे जैसे, जुगनू। हाँ वैसे हमने राजस्थान के नागौर एरिया में सबसे ज्यादा कैसा लगता पूरा ये रास्ता, रास्ता देख लो कैसा रास्ता है, पूरा रास्ता डर आंखों में गिर जाए। तो गाइस ये आपके लिए इतनी मेहनत करता है, इतने वो करता है, रात को 12 बजे उठ के आता है, तो आपको एक लाइक फॉलो तो बनता ही है यार। उसके बाद आप कमेंट करते हो फेक है, सुन सुनाने सराहने की आवाज के साथ, गूगल टाइम फेक लग रहा है या क्या फेक लग रहा है, जो है चीज सामने रियल चीज दिखाता है, अपनी फैमिली को पता है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ आपके सामने कैप्चर कर लेंगे। मामा जी की चीज फील हो रही है, चुप रहो, इनको सिसाड़ पाड़ रहा, सिसाड़ यानी सड़सड़ाने की आवाज आ रही है। तो जंगल में तो फिर ऐसा होता है, नहीं वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते, कीड़े बोलते हैं ना, कौन से आवाज करते हैं, जिंगर आती है, बट कोई ना।
उस बहन यही लोकेशन बताई थी, शायद यही मुझे लग रहा है पेड़ वगैरह कुछ ऐसा ही था। आते थे यहाँ पे। भाई का नाम क्या था उसका? नाम कम से कम विशाल चौधरी। हाँ कुछ ऐसा था यार, मैं तुझे यार नहीं, भाई का नाम विशाल चौधरी। करण को बताया, करण को बताया। मैंने तो बात की थी उससे। अरे यार बहुत जन कमेंट करते हैं, यादव धीरे धीरे रिवील करते सब चीज़ें, बट कंफर्म कर दो भाई जो लोकेशन दे रहा है वो रियल है फिर नहीं तो कंफर्म तो हुई तो भाई ने सही बताया था मुझे, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ। सुबह उस भाई से मिलके चलेंगे। फेक तो नहीं लग रही है, मतलब जगह ऐसी लग रही है कि हाँ यहाँ आसपास मेरे हिसाब से कोई आदमी आता ही नहीं होगा। नहीं आता पूरा सुनसान है इतनी देर चल के, रात के समय तो कोई ना बैठे भाई साहब। जो ठंड है ना हल्की हल्की ठंड लग रही है आपको पता है, रात में ये जो मिट्टी है। मेरा तो मन करता है कि इधर कैंप फायर करें अपन, करेंगे 24 घंटे। हां खाइए है भाई, ज्यादा आगे मत जाओ, खाइए चार के अलावा कोई है तो सामने आओ। मैं कैमरा घुमा देता हूँ, इस कैमरा भी घुमा दिया किलोमीटर में रीडिंग। एनर्जी नहीं आ रही अभी, कुछ नहीं आ रहा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। खाते वगैरह हैं, वापस घूमते हैं और चलते हैं। देखो इधर देखना, इधर पास में कोई रोड है नॉर्मल जिस रोड से, और यहाँ से भी एक रोड आ रही है जिंदा देखो। हाँ ये रास्ते पर अपन इतनी दूर से घूम के आए थे, वहां से इधर नहीं है, ये वो डंपर लोग हैं जो मतलब यहाँ पे जो अवैध खनन होता है, जो है मतलब जो मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह ले जाते नहीं अवैध खनन, तुमको ट्रैक्टर वगैरह की वो डंपर वगैरह आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? छोड़ो अवैध खनन होता है अपने को। अब पक्का रास्ता आ गया मतलब वहां पर कुछ नहीं है तो वापस घूमते हैं भाई। तूने बोला जो देखो एक चीज बोलता हूँ, तूने बोला उसमें 60% मुझे लग रहा है कि फील तो हुआ है बट मैं कह नहीं सकता यार, वो चलते हैं। चलो ढूंढने के चक्कर में खाना तक नहीं गया, खाना भी अभी खाएंगे निकल। बट है फील करा रहा मैंने लोकेशन है, मेरे को तो उल्टा है ऐसा लग रहा है यहाँ कैंप फायर करें अपन। कमेंट सेक्शन में बता दो, कर लेंगे पब्लिक डिमांड। नाइट होल्ड करें क्या करें या 24 घंटे रुके? हाँ आप बताओ हिसाब से रुकेंगे, और मैं भी रुकूंगा, सारे रुकेंगे हम, और पार्टी मस्त वाली व्लॉग बना के डाल देंगे। हंटेड व्लॉग नहीं होगा, एक नॉर्मल भूत नहीं बोला जो निराश हो गए हम अभी तक तो इतना तो उसमें भी नहीं थके जब 24 घंटे वाला चैलेंज दे रहा था मैं। हां नहीं दो बत्तियां जली थी यहां, आ तो रही है रीडिंग आ रही है यहां पे। देख लाइट ऑफ करके देख, लाइट को हल्की सी कम कर। कोई क्या आगे चलते हम चारों के अलावा कोई है, कोई पांचवा इंसान ऐसा हो जो हमें हमारे सामने आना नहीं चाहता हो। किसी भी तरह की कोई रूह हो या कोई आत्मा वगैरह कुछ भी हो, कोई है क्या पांचवा इंसान या पांचवी कोई चीज ऐसी जो हमें दिख नहीं रही हो? ए भाई ए कान सामने आ जाओ, टाइम भी 12 बज गई फिक्स, दिखाना फिक्स 12 बज रही मतलब 5। अरे राम ब्रदर भाई भाई साहब भाई साहब ओ मामा
क्या करा भाई उसने तो बोल रहा नहीं मैंने रुको इधर आओ आगे जल्दी आओ पीछे रो ओ मामा भाई साहब हम कह रहा भाई ना भूत है भाई हां ओरिजिनल है चल लड़ नहीं चुप रिकॉर्ड कर कैप्चर हो रही ना चीज कैप्चर हो रही ना तो नहीं मामा ये ले जाऊंगी नहीं ओए हां नहीं अरे हे कौन हो आप अरे चुप कान कब तक रुकेगी अपन देखेंगे हां हे कौन हो आप पीछे रे मामा कहने तो कौन आ रही है पास तो कौन आ रही है फोकस पड़ रहा ना लाइट से उस पर हल्का सा लाइट ही डाउन हो गई है लाइट ही डाउन हे कौन हे क्या नाम है आपका क्या नाम है आपका नाम बताइए आपका कितने सालों से आप यहाँ पे चुप बात करते हैं अरे चुप तो रहो यार बात करेंगे ना अपन भूसे हे अरे कोई रिश्तेदार लगता है क्या जो बात करेंगे पीछे हट ओए बोलता हूँ निकलो यहाँ से ओए जाओ अरे मत जाओ वहाँ पे रुको ओए अरे कौन है तू इशारा कर रहा आने की आने का इशारा कर रही हो नहीं पीछे रे थोड़ा सा इधर आओ साइड में पीछे रे आवाज मत करो आवाज मत गायब होगी ज्यादा आवाज मत अरे गायब होगी अब नहीं अब गायब होगी अब नहीं है हां गायब होगी देखो उधर वापस चलो उधर उस साइड में चल के ऊपर मत चलो भाई गायब होगी भाई साहब यहाँ से निकलते कैमरा बंद करते यहाँ से निकलो मत डरो मत जो करने वाली होती कब से कर देती करने वाली होती कब से कर लेती अपन दो घंटे से यहाँ पे करने वाली होती ना बस यहाँ से निकलते अर्जुन निकलो यहाँ मामा निकले कोई मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ मुझे सही नहीं लग रही जगह चलो अपन निकलते हैं रुको चलो तुम गाड़ी के पास चलो ऊपर आराम से कोई दिक्कत नहीं है हमारा एक टीम मेंबर जो ज्यादा डर चुका है वो देखो वो भाग गया यार क्या नए लड़के हैं यार आप कुछ समझते हो डरते ही उसको बोल घबरा मत तू बैठ गाड़ी में आ रहा हूँ मैं उसको उसने फर्स्ट टाइम देखा होगा भूत मेरे हिसाब से सीरियसली अपने साथ तो बहुत सारी बार हो गया इसलिए अपने को कैप्चर हुआ है कैमरे में और जो उसका जो मूवमेंट था वो देखा मामा कैसा था मैंने भी देखा यार भाई बंदे के बारे में दम था लेकिन मैंने देखा भाई ने रियल में देखा है कभी तभी उसने कहा बेहोश हो गया स्टेशन पे यहां से चलो चलते भाई चलो